खुद भी अमल करें और इत्तेहादियों से भी अमल कराएं, वरना अफगान मुआहदा किसी भी वक्त टूट सकता है। तालिबान ने अमरीका को खबरदार करते हुए इल्जाम आयद किया कि मामले को संजीदा नहीं लिया जा रहा। तालिबान ने अमरीका पर इल्जाम आयद किया है कि वो आम शहरियों पर ड्रोन हमले करके अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने वाजे किया कि हम अमरीकियों को संजीदगी से कह रहे हैं कि वो मुआहदे के मंदिजरात पर अमल करें और अपने इत्तेहादियों को भी इस पर अमल कराएं। तालिबान ने अफगान हुकूमत को भी अमन मुआहदे के मुताबिक उनके 5,000 कैदियों की रिहाई में ताखीर पर तंदी की है। तालिबान ने कहा कि हमने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की देही पोस्टों पर हमले रोक दिए थे, जबकि शहरों और अस्करी तनसीबात पर भी गैर मुल्की और अफगान फोर्सेस पर हमले नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से अदम एतमाद की फजा कायम होगी और अगर अमरीका और अफगान हुकूमत ने मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जियाँ जारी रखी तो कशीदगी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे जंगजू भी इस तरह जवाब देने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस के तर्जुमान कर्नल सोनी लगेट ने तालिबान के दावे को मुस्तरद करते हुए इसे बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मुआहदे की मिलिट्री शराइत को बरकरार रखा हुआ है और हमारा मौकफ बिल्कुल वाज़ह है कि मुआहदे के मुताबिक अगर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ तो हम इनका दिफा करेंगे।